हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं सागर भाई आज बड़ा बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज मेरी जो चर्चा होगी बात की, यही कि सब आदमी जो है ये कहते हैं कि भूत किसी को भी मार सकता है, और कहीं कहीं भूत का इतना खौफ है दोस्तों कि पूछिए मत अभी भी। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भूत जो है किसी को भी मार सकता है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भूत जो है क्या किसी को भी लटक सकता है, किसी के ऊपर आ सकता है। भूत किसी को भी अपने चपेट में ला सकता है, परेशान कर सकता है। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि भूत सबके ऊपर नहीं आ सकता है, याद रखिएगा, और भूत सबको परेशान नहीं कर सकता है, एक बात यह भी याद रखिएगा आप। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था थोड़ा सा कि भूत सबको दिखाई भी नहीं देता है, भूत उसी को दिखाई पड़ता है जिसका छांव कम है। तो लोग कहते हैं ये छांव क्या होता है, तो दो प्रकार की भगवान पहले से बना के रखे हैं दोस्तों, ये छांव के रूप में, एक भारी एक हल्का। तो जिनको हल्का छांव होता है दोस्तों, उसी को भूत दिखाई पड़ता है, सबको भूत दिखाई नहीं पड़ता। और याद रखिए, यदि सबको भूत दिखाई नहीं पड़ता है तो भूत सबको परेशान भी नहीं कर सकता है। यानी कि भूत जो है सबको परेशान नहीं कर सकता है। तो हम यही बताएंगे आप लोगों को कि भूत से डरना मना है, बिल्कुल मत डरना है। दो प्रकार की भूत होती है दोस्तों, एक होता है भूत और एक होता है भरम भूत। ये जो भूत है दोस्तों, भूत जो है नॉर्मल होता है, और जो भरम भूत होता है ये सबसे भारी होता है दोस्तों। तो अधिकांश लोग भरम भूत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये भरम भूत के चक्कर में पड़ने से उसका घर बर्बाद हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो भूत तो नॉर्मल है, भरम भूत भारी है, और ये भरम भूत पूरे घर को बर्बाद कर देता है, जीवन को बर्बाद नरक बना देता है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस घर में भूत का छाया लग जाए, तो सबसे पहले बात, यदि किसी ने भूत को देख रहा है तो उसे भूत का निवारण यंत्र या भूत को भगाने का कोई उपाय है, जो जानकार बाबा हो उसके द्वारा आप घर बंधन कीजिए। और वो जो भूत है जिसे दिखाई पड़ रहा है, उस भूत को उसके शरीर पर सवार कराइए, और फिर देखिए उस भूत को पकड़िएगा आप लोग, और पकड़ करके उसे जो उसका विधि है उसके अनुसार उसे गाड़ना पड़ेगा, फिर आपका घर बढ़िया होगा दोस्तों। लेकिन एक बात और है दोस्तों, क्या भूत सच में जिसको नहीं दिखाई देते उसे परेशान कर सकते हैं? तो यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप भ्रम में पड़ गए तो खुद परेशान होंगे आप। भ्रम भूत जो है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया अभी कि दो प्रकार की भूत है, एक भ्रम भूत है और एक भूत है। तो जो भूत है वो नॉर्मल होते हैं, वो थोड़ा इधर उधर जो किया, यानी कि जो भारी छांव है भूत उनको परेशान नहीं कर सकता। आज एक बात आज गांठ मान लीजिए आप, उसे आभास ही नहीं होता है दोस्तों, उसे पता ही नहीं चलता कि कुछ है। यदि उसे लगे कि हाँ कुछ मुझे लग रहा है, यदि उनको ऐसा हो गया, चूहा दौड़ रहा है घर में दोस्तों, बिल्ली दौड़ रही है ना, चूहे ने बिल्ली को खा, बिल्ली ने चूहे को खाने के लिए दौड़ा, तो उसमें रात में आप सोए हैं, आपको लग रहा है कि कोई दौड़ रहा है, तो बिल्ली दौड़ रही है चूहे को पकड़ने के लिए, और आपको ये भरम चढ़ गया, यानी कोई चीज ऐसा रखे थे ऊंचे जगह में वो गिर गया हाथ से, तो आपको क्या लगा कि कुछ आ गया। ऐसे आपके साथ दो चार दिन हो गया तो आपको भरम चढ़ जाएगा दोस्तों, और यही भरम आपको जान मार देगा। भूत तो है नहीं, ये भरम है। तो इसलिए भरम से बचे, जब तक अपने नजरों से कुछ देखे ना तब तक आप डरे नहीं दोस्तों,
क्योंकि भरम भूत किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन जो भूत है वो भारी छांव वाले को परेशान कदापि नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात को आज गांठ मान लीजिए, जो हल्का छांव है भूत उसी को परेशान करता है, उसी के ऊपर भूत आता है, भारी छांव वाले के ऊपर भूत नहीं आता है और उसे परेशान नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो पता कैसे करें कि हमारे ऊपर भारी छांव है या हल्का छांव है? तो इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि भारी छांव है या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपना हिम्मत बनाइए कि भूत नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भूत है भूत है, भूत है, लेकिन आप दिल से निकाल दीजिए कि भूत मेरे पास नहीं है या मेरे पास नहीं आ पाएगा। आप हिम्मत बना के रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा भूत नहीं है, भूत है, लेकिन आप ऐसा सोच के चलिए हमेशा कि मेरे पास भूत नहीं आ सकता, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, ऐसा कुछ अपना मन में बना के रखिए, मैं नहीं डरूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने भूत के ऊपर बताया, दो तरह के भूत होते हैं, भूत परेशान किसे करते हैं और किसे नहीं करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम।